हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल टेक जेएसपी प्रिंस में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो उसमें कैसे आप पैसा कुछ बचाएं। अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर अपना बुक करते हैं तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा पैसा बचत हो। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप पेटीएम से बुक करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पेटीएम से बुक करते हैं ट्रेन टिकट, तो उसमें कन्वेंस फीस, एजेंट चार्ज और क्या क्या GST क्या लगा के बहुत थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम आज ऐसा तरीका बताएंगे ट्रेन टिकट बुक करने का जिसमें नो एजेंट चार्ज, नो कन्वेंस फीस, बस एक्चुअल जो टिकट का प्राइस है वो आपसे लिया जाएगा। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा, दिखाऊँगा कि अगर आप IRCTC पे से मनी पे करते हैं तो आपको अगर कैंसिल करते हैं टिकट इंस्टेंट रिफंड मिलेगा एंड जीरो कटिंग। पेटीएम से अगर आप करते हैं टिकट बुक तो आपको रिफंड लेने में 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाता है, 1 हफ्ता भी लग जाता है एंड चार्ज भी ज़्यादा कर लेता है पेटीएम में। तो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ चल के कि कैसे आप कौन से ऐप से कैसे बुक करें कि आपको ये सब फ़ायदा आप उठा पाए। चलिए, बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि जैसे आप ट्रेन टिकट बुक करते होंगे तो पेटीएम से बुक करते होंगे या फिर किसी और ऐप से। तो देखिए, हम इसको दिखाते हैं इसमें कितना चार्ज लगता है। दोस्तों, अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है टिकट बुक करने के लिए, ट्रेन में IRCTC का अकाउंट चाहिए, अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे IRCTC का अकाउंट बनाते हैं। देखिए, हम सर्च कर रहे हैं, हमको टिकट करना है गोमो से हम टिकट करते हैं सासाराम बिहार। जैसे मान लीजिए हमको बुक करना है 19 तारीख का। देखिए, 130 रुपया इसका, देखिए दोस्तों इसमें 130 रुपया दिखा रहा ना। अब इसको जैसे हम बुक करना चाहेंगे तो ये क्या दिखाएगा, देखिए जैसे 19 जुलाई को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो दाऊद अनवर नाम डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है कहाँ पे आप जा रहे हैं, विक्रमगंज मुझे जाना है, और पिन वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए 80 22 12, और उसके बाद पूरा डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद प्रोसेस टू बुक। उसके बाद देखिए इसमें वेटिंग है, 160 रुपया कर दिया, जब मतलब कि 130 रुपया टिकट का दाम है लेकिन बुकिंग करेंगे तो 160 रुपया में ये हमको बुक करके देगा। वही अगर हम ज़्यादा दूर का टिकट तो उसमें और ज़्यादा चार्ज काटेगा, ये तो बहुत कम अमाउंट है इसलिए कम चार्ज कट रहा है। देखिए, अगर IRCTC ये ऐप से जिसे अगर आप टिकट बुक कीजिएगा तो बहुत कम पैसा में टिकट बुक हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ हम अगर वही मारते हैं गोमो से सासाराम, ये रेलवे का ऐप है। ओके, 19 जुलाई का हम जैसे बुक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपना MP, ये IRCTC का पेज है फ्रेंड्स, आपको IRCTC अकाउंट पहले बनाना होगा ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। तो देखिए, हम यहाँ कर लिए ऐसे वेरीफाइंग यूज़र। देखिए गोमो से 19 जुलाई, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, देखिए इस पर क्या दिखा रहा है, वो ट्रेन का देखिए यहाँ पर है पूरी अनुवंत स्पेशल, यहाँ पे 130 रुपया है वेटिंग में। अब इसको जैसे हम बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई एग्री एंड ओके एंड यहाँ पे ऐड करेंगे पैसेंजर और उसका पैसेंजर का नाम देंगे ओके, दाऊद अनवर एज 24 मेल एंड ऐड पैसेंजर करके सेम उसी तरह यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। अभी एड्रेस का सिस्टम हो गया है जब से कोरोना आया है, और यहाँ पे 80 22 12 जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा
यहाँ पे पूछेगा पेमेंट मोड, तो आप देखिए अगर इससे करते हैं फर्स्ट वाला से तो इसमें 15 रुपया काटेगा प्लस GST। इसमें अगर आप कीजिएगा तो पे थ्रू VPI भीम और एंड UPI, तो इसमें आपको 10 रुपया काटेगा, 5 रुपया बचेगा। इसमें ओके करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 130 रुपया टिकट का दाम है, 141 रुपया काटेगा। अब यहाँ पे प्रोसेस टू पे हम करेंगे तो बस पेमेंट करके इतना हमको यहाँ से कैप्चा फिल करके 20 रुपया का हमको बजट हो गया है। छोटा हम अमाउंट का टिकट कर रहे हैं इसलिए सिर्फ 20 रुपया ही। बड़ा अगर आप AC का टिकट कीजिएगा, कहीं दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए और ज़्यादा ये चार्ज लेता है पेटीएम, इसलिए ये ऐप से आप बुक कीजिए IRCTC से। देखिए मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में जाइए, अगर आप IRCTC iPay से बुक करते हैं तो आपको अगर कैंसिल करते हैं टिकट तो इंस्टेंट रिफंड मिलेगा एंड कैंसिल चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप पेटीएम से इसमें बुक करते हैं तो रिफंड होने में आपको टाइम लगेगा एंड चार्ज भी ज़्यादा कटेगा। बाकी सब में आपको मैं रिकमेंड करूँगा इससे कीजिए IRCTC iPay एंड यहाँ पर जाके अपना पिन डालिए, यहाँ पर जाके पे पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो पेमेंट का आपका UPI ID है वो डाल दीजिए और ओके कीजिएगा, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा पेटीएम में, पैसा पे कर दीजिए, टिकट आपका मिल जाएगा, टिकट कंफर्म रहेगा तो आपका मिल जाएगा। दोस्तों और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि अच्छा से समझाना था आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स। सो गाइज आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी इस चैनल में मैं आपको वीडियो में डालूँगा कि फ्लाइट का टिकट बुक कैसे करें एंड इसी रिलेटेड में बहुत सारा मैं वीडियो डालता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।